नमस्ते, मैं हूँ डायरेक्शन श्रेया, आपकी आहारिका, आपकी मिलेट गर्ल। और मिलेट गर्ल आपके लिए एक स्पेशल मिलेट रेसिपी लेकर आई है, कोडू मिलेट, जो राइस का सब्स्टिट्यूट है। राइस सबको पसंद होते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो मेरे को मसर दाल चावल बहुत ही पसंद है, तो मैं इसको मेरे फेवरेट चावल कहती हूँ। इसमें 100 ग्राम में आराम से आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो प्रोटीन भी बहुत अच्छा है। नॉर्मल चावल से आपको इसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और इसमें फाइबर 9 ग्राम आपको मिल जाता है, तो यानी कि आप इससे वज़न बहुत जल्दी कम कर पाएंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और कोडो मिलेट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डाइजेशन में बहुत ही ईजी है, डायबिटिक पेशेंट्स भी आसानी से खा सकते हैं। ये मिलेट है, इसमें ग्लूटेन नहीं है। सो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सो ये कोडो मिलेट जैसे सांबर के चावल होते हैं कि बहुत जल्दी फूलते हैं, तो मैंने इसको आधा कटोरी लिया था। मैंने इसको 20 मिनट के लिए भिगोया है, अच्छे से धोया है, और अब मैं इसको एक गर्म की हुई कढ़ाई में हमने इसमें ये डाल दिया है कोडो मिलेट, और मुझे अब इसमें एक कटोरी पानी डालना है। अब मैं लेकर आऊंगी मेरा फर्स्ट एड बॉक्स, हम लेके आते हैं, और ये मेरा फर्स्ट एड बॉक्स आ गया है मेरे पास। इसमें से देखिए मैं क्या क्या डालूंगी। शाही काला जीरा, ज़्यादा खुशबू है इसमें, ज़्यादा फ़ायदे हैं इसमें, थोड़ा सा अजवाइन, सिर्फ मैं इतना ही डालूंगी, मुझे और इसमें से कुछ नहीं डालना है। सो अब आप तेज पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं अगर डालना चाहें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। मैं इसमें ऑयल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मैं ऑयल खाऊं, क्योंकि मुझे पिन्नी खानी है। अब ये बस, अब इसको हमने ढकना है जैसे चावल बनाते हैं, ये ढक दिया, और मैजिक हम देखेंगे 10 मिनट के बाद। और अब ये हमारा कोदो मिलेट रेडी हो गया है। ये मेरा फेवरेट बर्तन है खाना खाने के लिए, जैसे मैंने बताया ये मैं कश्मीर से लाई थी। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ का बेस्ट जो भी मुझे लगता है कल्चर में से उठा के ले आती हूँ। कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ब्राउन राइस जैसा लग रहा है, बहुत नरम है। मैं इसके साथ अभी मसर की दाल बनाऊँगी और दाल चावल इन्जॉय करूँगी, और जो जिसमें मैं दाल खाऊँगी वो भी इसी के साथ का एक कंटेनर है, आपको ज़रूर पिक्चर भेजूँगी उसकी। और ये कोदो मिलेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, राइस का सब्स्टिट्यूट है, डायबिटिक फ्रेंडली है, और वेट वॉचर्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। सो बहुत अच्छे से पक गए हैं, कच्चे भी नहीं हैं, और जब मैं इसको दाल के साथ खाती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं चावल मिस कर रही हूँ। सो ये बन गए हैं कोदू मिलेट।